एकदम ठीक है। देखिए ठीक है साहब, क्या आवाज देख रहे हैं आप, एकदम आइसक्रीम आ गई। देखिए आप आइसक्रीम देखते रहना आप, और ये आ गई जी रबड़ी। देखिए आप भैया क्वान्टिटी देखिए आप रबड़ी की, ये तीन चार तरह की भैया ने इसमें आइसक्रीम डाल रखी है। तो हेलो फैमिली, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फूड दिल से के अंदर। और आज हम आपको लेके आ गए हैं रवानी सेक्टर 6 और 7 के डिवाइडिंग रोड पर। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये सावरिया कुल्फी आइसक्रीम स्टॉल कह लें, काउंटर कह लें, क्योंकि गर्मी के अंदर सर्दी का इन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है। जैसे गर्मी बढ़ेगी ना दिल्ली के अंदर, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे इनकी जो खाने की जो आइटम है उसमें ठंडक का टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि पूरा इंतजाम कर रखा है इन्होंने आपके लिए, आपको ठंडा करने का। और यहाँ पे ना बहुत तरह के शेक्स ये आपके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे काजू शेक है, यहाँ पे इनका बादाम शेक है, एक इनका रबड़ी फलूदा है, और एक बहुत खास है इनका इनका स्पेशल रबड़ी फलूदा। वीडियो को स्किप ना करें आप, वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इनका जो रबड़ी फलूदा है ना उसमें कई तरह की आइसक्रीम ऐड करते हैं, 1, 2, 3 तरह की नहीं, कई तरह की आइसक्रीम ऐड करते हैं, और एक बड़े साइज़ का एक रबड़ी फलूदा का गिलास आपको सर्व करते हैं, जो कि 2 लोगों के लिए बिल्कुल इनफ होगा, और प्राइस ना बहुत नॉर्मल रखते हैं। तो पूरी मेकिंग देखना आपको, वीडियो देख के एकदम मज़ा आ जाएगा। और गर्मी के अंदर आपको सीधा नैनीताल के बारे में, और इनकी जो टाइमिंग है ये भैया अपना डेली, इनका जो ये वैन है आइसक्रीम की जो वैन है ये डेली आपको लगी मिलेगी, शाम को 5:30 बजे से लेके जैसे गर्मी पड़ेगी वैसे वैसे इनका टाइम चेंज हो जाएगा, तो करीब 11:30, 12, 1 बजे तक भी अगर आपका मन करता है तो आप रोहनी सेक्टर 6 और 7 दिवानी रोड पर आएँ और इनकी बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम कुल्फ़ी कुल्लड़ कुल्फ़ी रबड़ी फलूदे का आप मज़ा लें। ये जी डाल दिया भैया ने फलूदा, क्या बात है ये भैया, ये तुलसी के बीज सब्जा, तुलसी के बीज सब्जा यार, एक नई आइटम है तो भैया कुछ नया देखो नया आपको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आ गई चाशनी, ये आ गई चाशनी हो गई, वही ना मीठा केवड़ा, मीठा केवड़ा क्या बात है, ये आ गई जी रूह अफजा। ओ भाई क्या बात है, मिठास के ठंडक के साथ साथ ना मिठास का पूरा इंतजाम भैया के पास। और ये आ गई जी रबड़ी, देखिए आप भैया क्वांटिटी देखिए आप रबड़ी की, पूरा गिलास ना भैया ने रबड़ी से ऊपर तक फिल कर दिया है, क्या बात है भाई, क्या मिक्स कर रहे हैं तो भैया उससे मिक्स कर रहे हैं, क्या बात है। ये आ गया, अभी कौन सी आइसक्रीम थी, ये ड्राई फ्रूट आइसक्रीम आ गई जी, क्या बात, ये देखिए ये ड्राई फ्रूट आइसक्रीम भाई 70 रुपये के अंदर ना, ये आपका स्पेशल वाला है ना, ठीक है थोड़ा सा आपको बात। और नेक्स्ट आ गई इनकी ये स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आ गई, ये देखिए आप आइसक्रीम देखते रहना आप, ये बटर स्कॉच आ गई, ये देखिए आप चार तरह की तो भैया आइसक्रीम मिला रहे हैं, और ये ड्राई फ्रूट वगैरह आ गए हैं, वाओ अमेजिंग भैया तैयार। ये लगा रहे हैं भैया हमारा एक बादाम शेक ना, ये हमने लगवाया अपना छोटा गिलास, ये है 30 रुपये भैया, ये 30 रुपये का, तो दोनों की टेस्टिंग करते हैं एक साथ, कुछ और मिलाओगे इसके अंदर, इसका आइसक्रीम इसमें भी, हाँ अरे क्या बात है यार। तो आइसक्रीम के तो भैया बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में आपको ऐसी यहाँ पे फलूदा इंजॉय कर रहे हैं भैया। आपका नाम? मेरा नाम सुनीत मित्तल है, ये सचिन शर्मा है। शर्मा जी मित्तल जी, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या आते रहते हैं? नहीं, इनका हमने नाम सुना था काफ़ी, तो हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं। अच्छा, और नो डाउट फलूदा बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही मज़ेदार। तो आपने क्या लगवाया था, रबड़ी फलूदा? हमने रबड़ी फलूदा स्पेशल वाला, हमारा फेवरेट है। फेवरेट है आपका? हम धौलपुर के रहने वाले हैं, जहाँ भी जाते हैं रबड़ी खाते हैं। धौलपुर राजस्थान से? हाँ जी राजस्थान से। हो क्या आप? मैं राजस्थान से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? हम धौलपुर वाले, हमारी रबड़ी मित्तल से पूछते हैं, समझ से पूछते हैं, हरियाणा वालों को टेस्ट कैसा लगा जी? बहुत बढ़िया लगा, मज़ेदार मज़ेदार। और राजस्थान वालों को? अब हम तो रबड़ी के फेवरेट हैं, फेवरेट बना। और प्राइस कैसा है इनका? प्राइस प्राइस रीजनेबल है। हाँ हाँ ठीक है ओके। मान लो आप ये फर्स्ट टाइम आए हो, तो फर्स्ट टाइम आने के बाद दोबारा आने का मन है या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर इधर से निकलेंगे तो डेफिनेटली जरूर आएंगे। हाँ क्वालिटी ये बन है? हाँ क्वालिटी बढ़िया, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट है ना, क्वालिटी बहुत। बात करते हैं रेटिंग की, बात कर लेंगे, टॉप रेटिंग 20 है, कितने देंगे आप? 20 क्या बात, क्योंकि अभी तक मैंने इससे बढ़िया नहीं खाया, खाऊंगा तो हो सकता है फिर मैं आगे रेटिंग कम कर दूँ यहाँ आगे। अरे दूसरी बात ये ना बर्फ नहीं मिला रहे इसकी, तो जो मतलब नहीं, मैं उसकी एक रीजन बता देता हूँ, अभी तो मौसम ऐसा ठंडा भी नहीं है और ये अच्छा बात है, बर्फ नहीं मिला रहे, और मैंने मना भी कर दिया, मेरे बर्फ मत मिलाना, क्वांटिटी कम हो जाती मेरी। नहीं कहीं ना कहीं बर्फ मिलाते थोड़ा टेस्ट वो बिगड़ जाता है, उसके बाद भी एक्चुअली बर्फ
तो एक क्या है, ठंडा करने के लिए है, जी जी जी। टेस्ट के लिए नहीं है। तो लीजिए जनाब, हमारा जो इनका स्पेशल वाला रबड़ी फलूदा वो हमने लगवा लिया है। और देखिए आप, इसमें ना कहीं फलूदा दिखेगा, इसमें आपको रबड़ी रबड़ी दिख रही है। और ये देखिए आप ऊपर, ये तीन चार तरह की भैया ने इसमें आइसिंग डाल रखी है। और ये ड्राई फ्रूट देखिए आप, क्या बात है भाई। और ना एक खास बात ये, आपको हर जगह पे बर्फ़ ऐड करते हैं ठंडा करने के लिए। उससे क्या होता है, वो ना पानी पानी बहता है फलूदे के अंदर, तो जो टेस्ट होता है ना बिगड़ जाता है। रबड़ी का कहीं ना कहीं वो जो फ्लेवर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्योर आपको आइटम सर्व कर रहे हैं और ठंडा बहुत है ये, क्योंकि भैया ने कूलर वगैरह लगा रखा अंदर, बर्फ़ ऐड नहीं कर रहे। तो इसकी जो क्वालिटी वो एज इट इज़ होने वाली है। और मैं आपको दिखाता हूँ थिकनेस, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप एकदम ठीक, देखिए थिकनेस आप, क्या बात, देख रहे हैं आप एकदम चिपका हुआ। तो ओए होए होए होए, पहली बाइट में पटनी टॉप, अब देखते हैं दूसरी बाइट में। ओहो हो, दूसरी बाइट के अंदर कश्मीर की वादियाँ होती है ना, जहाँ बहुत ठंडक होती है, बिल्कुल वैसी फील आ रही है, बहुत लाजवाब है यार। और ये आप देखिए, ठीक ना, देखिए क्वालिटी बहुत बहुत बढ़िया लगी मुझे, बहुत लाजवाब। बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, मैं छोड़ दूँ उसे, इसमें मैं कंसंट्रेट करता रहूँ। बहुत बढ़िया भाई। और एक और ये बाइट लेते हैं, स्वाद जो है ना, स्वाद एवं स्वाद है, कहते हैं फर्स्ट क्लास स्वाद, जो एकदम फर्स्ट क्लास है। और मिठास ना, जैसी मिठास थी ऊपर, बिल्कुल मिठास वैसी है, बहुत बढ़िया यार। नेक्स्ट इनका बादाम शेक देखिए आप, ओए होए होए, ये देखिए आप, क्या बात है। और इसमें भैया ने आइसिंग डाल के दी है, हाँ हाँ हाँ। ड्राई फ्रूट ना उसके मुकाबले थोड़े कम है इसके अंदर, लेकिन ठंडा है, आपके दिल को ना पीते ही ये ठंडा देगा, सुकून देगा, बहुत बढ़िया। इसमें मैंने आइसक्रीम दी है, आहा। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर करो यार। आप लोग जितना वीडियो शेयर करेंगे ना, हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाने की आपके लिए कोशिश करेंगे। आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।